स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अर्न कंप्यूटर क्लासेस। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जितनी भी नई नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बेसिक नॉलेज सीखी थी हमने। बेसिक नॉलेज की जानकारी दी थी कि हमारे इंग्लिश ग्रामर से जुड़े जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जितनी भी होती है उसको हम स्पोकन इंग्लिश में किस रूप में, किस फॉर्म में देखते हैं। तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट को डूअर बोलते थे और हेल्पिंग वर्ब को टाइम वर्ब बोलते थे और मेन वर्ब को एक्शन बोलते थे। तो आज हम आपको इस क्लास में सिखाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हमने बताया था 9 टाइम वर्ब का यूज करते हैं इंग्लिश स्पोकन में, तो उन 9 टाइम वर्ब में से आज हम 3 टाइम वर्ब यूज करेंगे। 3 टाइम वर्ब कौन से हमारे, इस, एम, आर। इस, एम, आर का यूज हम आज की वीडियो में करेंगे। देखिए आज की आपकी क्लास होगी हाउ टू यूज ऑफ इज एम आर। हाउ टू यूज ऑफ इज एम आर, इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। तो लेकिन इज एम आर का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, जो काम हमारा प्रेजेंट में हो, अभी फिलहाल में तो चल रहा है बिल्कुल प्रेजेंट में, ठीक है। और हम इसमें एक बात याद रखेंगे, एक्शन में हम आई एन जी जरूर यूज करेंगे। एक्शन में आई एन जी यानी एक्शन प्लस इन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है एक्शन में अगर आई एन जी आ जाएगा तो वो काम हमारा जारी रहता है, मतलब वो काम हम अभी भी कर रहे होते हैं। कहीं पर भी आपको इस एमआर मिल जाए तो समझ जाए कि इस एमआर मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है एंड उसमें एक्शन में आई एन जी है तो वो काम उस टाइम भी चल रहा है, यानी निरंतर है, वो जारी चल रहा है उस काम को, वो काम अभी भी जारी चल रहा है। तो हमारी ये दो पहचान हो गई। और हमने बताया इसका यूज थर्ड पर्सन के लिए करते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, थर्ड पर्सन के लिए। एम का यूज आई के लिए करते हैं, एम तो स्पेशली आई के लिए बनाए, और आर का यूज करेंगे हम सेकंड पर्सन यानी यू के लिए। यू है और वी है, दे है, ओके, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसका यूज करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, एम आई के साथ आता है, आर आता है प्लूरल, जैसे यू, वी, दे, ओके। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं, ही, शी, इट एंड नेम, कोई भी नेम आ जाएगा आपका यहाँ पर, उसमें हम करेंगे इसका यूज। आर करते हैं प्लूरल के लिए, इस करते हैं सिंगुलर के लिए, और एम का यूज तो आता ही हमारे आई के साथ, ओके। तो देखिए इसमें हमारे स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। देखिये आई, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, एम टाइम वर्ड हो गया, एक्शन जो हमने बताया था वर्ब जो होती है, मेन वर्ब जो होती है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, और प्लस आई एन जी, ठीक है। सेकेंड पर्सन के लिए बोलेंगे यू आर एक्शन प्लस आई एन जी। थर्ड पर्सन होगा सी होगा या कोई ही होगा, इज एक्शन प्लस आई एन जी। देखिये हमने बताया था थर्ड पर्सन के साथ हम इसका यूज करेंगे, तो थर्ड पर्सन के साथ हमने इसका यूज कराया है। फर्स्ट पर्सन के साथ एम है, सेकेंड पर्सन आर, एंड थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज कराया है। यहाँ पर देखने वाली बात ये देखिए ना, ओ आई सी हमें थोड़ा सा चेंज होकर बोला है। देखिए आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, सेकंड पर्सन की बोलेंगे तो ओ आई सी, हम एकदम से सडनली सॉफ्ट होकर बोलते हैं, एंड थर्ड पर्सन के लिए सिंपल बोलेंगे ही इज एक्शन प्लस आई एन जी। देखिए एग्जाम्पल देखें, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आपको ख्याल है मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैंने इंग्लिश जो भाषा है वो सीख रहा हूँ, आप जा रही है, चल रही है, मतलब सीख रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज या आई हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आप सेकंड पर्सन से कहोगे, सपोज दैट आपका फ्रेंड भी सीख रहा है और आपको पता ना हो, तब आप उसको पता चलेगी उसको कैसे बोलेंगे, ओ आई सी यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप एकदम शॉक्ड होकर बोलोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ओ आई सी यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। एंड थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे शी या ही, आपका फ्रेंड बॉय है तो ही एंड गर्ल है तो शी, शी इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज या ही इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। और यहाँ पर आप कोई भी नेम भी ऐड कर सकते हो, कोई भी नेम ले लीजिए यहाँ पर, आपका जो भी फ्रेंड का नेम है, नेम लगाकर इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। फिर से ट्राई करो एक बार, देखिए आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या बोला है, ओ आई सी यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड शी इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज या ही इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्शन देखते हैं। एक्शन देखिए, नीड द डो, आटा ढूंढना, लास्ट वीडियो में मैंने एक्शन का एक्शन बोली थी, नीड द डो आटा गूंदना, स्क्रेच द हेड मींस सर्फ जाना, स्नैप द फिंगर, स्नैप द फिंगर मींस होता है चुटकियां बजाना, सीप द टी मींस होता है चाय छानना,
सीख करती मीन्स होता है चाय छानना एंड डू द चोर्स मीन्स छोटे मोटे काम करना. डू द चोर्स मीन्स होता है छोटे मोटे काम करना. ब्लो अ बबल गुब्बारा फुलाना. कन्वर्स विद पार्टनर अपने पार्टनर के साथ बातचीत करना. सिफ्ट द फ्लोर आटा छानना. इन दोनों पॉइंट में आप देखिए सीफ द टी एंड सिफ्ट द फ्लोर. यह फ्लोर जो है हमारा सूखा आटा है और जो नीड है ये हमारा गीला आटा है. नीड कहा ये हमारा गीला आटा है और फ्लोर जो है सूखा आटा है. दो मीन्स गूंदना होता है. ठीक है. और ये सीफ मीन्स चाय छानना है और सिफ्ट मीन्स आटा छानना है. ध्यान रखेंगे थ्री पॉइंट है नीड मीन्स गीला आटा और फ्लोर मीन्स सूखा आटा. ठीक है. सीफ मीन्स चाय छानना और सिफ्ट मीन्स आटा छानना. कॉम्ब हेयर मीन्स बाल काटना यानी बाल बनाना. अब आप इसको यूज कैसे करेंगे इसमें इन सभी एक्शन को आप इस एग्जाम्पल के थ्रू यूज करेंगे. देखिएगा आई एम रीडिंग द डो. आई एम रीडिंग द डो. ओ आई सी यू आर रीडिंग द डो. ही इज रीडिंग द डो. सेकेंड आई एम स्नैपिंग द फिंगर. ओ आई सी यू आर स्नैपिंग द फिंगर. शी इज स्नैपिंग द फिंगर. लाइक इज आप इसको सारी एक्शन को इसी तरह से यूज करें और अपने डेली लाइफ में जितने भी आपके कंटिन्यूस के जितने भी आपके कंटिन्यूस के सेंटेंस हैं आप उनको आपसे इंग्लिश में ही बोलें. इंग्लिश में बोलेंगे आपको इंग्लिश समझ आएगी. देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है. आपको एक्शन में एंड लगाकर बोलना है और इस एमआर का यूज करना है. फिर से बता देती हूँ इसका यूज करेंगे हम थर्ड पर्सन के लिए. एम का यूज करते हैं आई के लिए और आर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए. इसी तरह से आप इन सभी एक्शन को यूज करेंगे. तो प्लीज मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.